हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, निमाड़ वासियों के रेल सफ़र के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आम बजट में शामिल रेल बजट का विस्तृत विवरण जारी किया है। इसमें निमाड़ को गुजरात से जोड़ने वाली रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिली है। यह निमाड़ वासियों के लिए बड़ी सौगात है। इस बजट में रेलवे ने प्रस्तावित खंडवा अलीराजपुर रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट में 6.25 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है। सर्वे के बाद यदि इस रेल लाइन को मंजूरी मिलती है तो निमाड़ सीधे गुजरात से जुड़ जाएगा। वर्तमान में खरगोन और बड़वानी जिले में रेलवे ट्रैक नहीं है। मध्य रेल परामर्शदात्री के पूर्व सदस्य श्री मनोज सोनी जी ने बताया कि वर्तमान समय में निमाड़ क्षेत्र रेल लाइन से अछूता है। रेल मंत्रालय ने 2024-25 के रेल बजट का ब्यौरा जारी होने के बाद रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेल लाइनों के बिछाने के लिए होने वाले नए सर्वेक्षण की सूची भी जारी की है, जिसमें अलीराजपुर से बड़वानी, जुलवानिया, खरगोन से खंडवा तक नया ब्रॉडगेज रेलमार्ग के लिए सर्वे किया जाना है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आम बजट में शामिल रेल बजट का विस्तृत विवरण पिछले बुधवार को जारी किया है। इस बजट में रेलवे ने निमाड़ को बड़ी सौगात देते हुए प्रस्तावित खंडवा अलीराजपुर रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट में 6.25 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। अब निमाड़ सीधे गुजरात से जुड़ जाएगा। बता दें कि मौजूदा हालात में खरगोन बड़वानी जिले में रेलवे ट्रैक तक नहीं है। मध्य रेल परामर्शदात्री के पूर्व सदस्य श्री मनोज सोनी जी ने बताया, रेल मंत्रालय द्वारा 2024-25 के रेल बजट का ब्यौरा बुधवार को जारी किया गया। इसमें रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए नए सर्वेक्षण की लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट के क्रमांक 102 पर अलीराजपुर से बड़वानी, जुलवानिया, खरगोन से खंडवा तक नया ब्रॉडगेज रेलमार्ग के लिए सर्वे की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, पूर्व और पश्चिम निमाड़ क्षेत्र के अलीराजपुर से बड़वानी, जुलवानिया, खरगोन, खंडवा तक नया ब्रॉडगेज रेलमार्ग बिछाने के लिए सर्वे करवाने का उल्लेख किया गया है। 250 किलोमीटर लंबे इस रेलमार्ग के सर्वे के लिए करीब 6.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। दोस्तों, इस रेलमार्ग के स्वीकृत होने से खंडवा से वाया अलीराजपुर के रास्ते वडोदरा जाने में करीब 200 किलोमीटर की दूरी घटेगी। इस रेल मार्ग के बनने से खंडवा, खरगोन, बड़वानी का आदिवासी क्षेत्र सीधे बनारस, वडोदरा के मेन रेल मार्ग पर आ जाएगा। इस रूट के बनने से रेलवे के जो अतिव्यस्त भुसावल नंदुरबार वाला रेल रूट है, इसका विकल्प भी एक नया खुल जाएगा, जिससे कि गुजरात को शॉर्टकट रूट से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट में खंडवा से बड़वानी तक के मध्य स्टेशन जो रहेंगे उनकी, तो इसमें पहला स्टेशन रहेगा हमारा खंडवा स्टेशन, उसके बाद रहेगा हैदरपुर जो कि खंडवा से लगभग इसी दूरी 12 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद आएगा छेगांव माखन के बाद आएगा बरूर के बाद आएगा चिकलवहल, फिर आएगा भीकनगांव, साईखेड़ी, बहरमपुर, गवारी और जो सबसे मेन स्टेशन अब रहेगा वो रहेगा खरगोन स्टेशन। और दोस्तों, इसके बाद खरगोन के बाद आएगा नंदगांव, अनबुजुर्ग, सेगांव के बाद आएगा दोस्तों जुलवानिया, रनगांव, राजपुर, अंजड़, तालुन और फिर आएगा बड़वानी। दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे से विभिन्न क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में जारी हुए सर्वे सूची में पूर्व और पश्चिम निमाड़ क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें अलीराजपुर से बड़वानी, जुलवानिया, खरगोन, खंडवा तक नए ब्रॉडगेज रेलमार्ग को बिछाने के लिए सर्वे कराने के लिए बात भी कही गई है। इस 250 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग के सर्वे के लिए रेलवे ने 6.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अगर इस रेलमार्ग को सर्वे के बाद मंजूरी मिलती है तो इस रेल लाइन से निमाड़ के द्वारा गुजरात तक की दूरी जो है वो कम हो जाएगी और रेलमार्ग की स्वीकृति होने से खंडवा से वाया अलीराजपुर के रास्ते वडोदरा जाने में करीब करीब 200 किलोमीटर बच जाएंगे। इस रेलमार्ग के बनने से खंडवा, खरगोन, बड़वानी के आदिवासी क्षेत्र सीधे बनारस और वडोदरा के मुख्य रेलमार्ग से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, खंडवा अलीराजपुर रेल रूट तैयार होने से गुजरात की दूरी निमाड़ से और बाकी क्षेत्रों से कम होगी। तो यह थी अच्छी खबर दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।